हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइलम पोरिफेरा से जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्पंज। निम्न में से स्पंज के विषय में क्या सही है। ऑप्शन ए है, इन न्यूमेरल माउथ एंड वन एग्जिस्ट। ऑप्शन बी है, वन माउथ एंड इन न्यूमेरल एग्जिस्ट। ऑप्शन सी, स्पिक्यूल्स एंड मेड ऑफ काइटिन। ऑप्शन डी, ए लार्ज स्पेसियस स्टमक। तो स्पंज के बारे में इसमें सही है, क्योंकि स्पंज में ढेर सारे माउथ लाइक माउथ के जैसा ऑस्टिया पाया जाता है और एक एग्जिस्ट पाया जाता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इन न्यूमेरल माउथ एंड वन एग्जिस्ट, क्योंकि ढेर सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं जिसे माउथलेट्स कहते हैं। उन्हीं के जरिए पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और जो एक एग्जिस्ट डिस्टल एंड पर पाई जाती है जिसे आस्कुलम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर फाउंड इन। फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाया जाता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोसोलोनिया, ऑप्शन बी है ल्यूकोन टाइप, ऑप्शन सी है एस्कॉन टाइप, ऑप्शन डी है साइकॉन टाइप। तो फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर पाया जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर मीन्स जो स्पॉन्जोसील होती है उसमें फ्लैजिला लाइक सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें कोइनोसाइट कहा जाता है या कॉलर सेल कहा जाता है, और उसी में फ्लैजिला निकली हुई होती हैं और ये पाई जाती हैं। उन फ्लैजिलेटेड चैम्बर को स्पॉन्जोसील कहा जाता है, जिसे हम ये पाई जाती हैं ल्यूकोसोलोनिया में। इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया की जो स्पॉन्जोसील होती है उनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स अरेंज होती हैं जो कि वाटर की फ्लोइंग को मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, पैराजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैराजोलॉजी किसकी स्टडी है, किसके अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी पैरासाइट। तो पोरीफेरा की स्टडी को पैराजोलॉजी कहा जाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरीफेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इंटरनल बडिंग इन सम स्पंज इज फॉर। कुछ स्पंजेज में आंतरिक बडिंग होती है किसके लिए। ऑप्शन ए है रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी है सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, ऑप्शन सी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी है ग्रोथ। तो कुछ स्पंजेज में जो आंतरिक बडिंग होती है वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉमन बाथ स्पंजेज सामान्य बाथ स्पंज है। ऑप्शन है स्पॉन्जिया, ऑप्शन बी है स्पॉन्जिला, ऑप्शन सी है क्लायोना, ऑप्शन डी है यूप्लेक्ला। तो इसमें सामान्य बाथ स्पंज है स्पॉन्जिया या यू स्पॉन्जिया, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पॉन्जिया, जबकि जो स्पॉन्जिला है ए फ्रेश वाटर स्पंज है, और क्लायोना जिसे बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है, और यूप्लेक्ला जिसे वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से जाना जाता है, और इसे जापान में शादी के मौके पर गिफ्ट के रूप में लोग देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेज। स्पंज में बॉडी का संगठन होता है,
ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, ऑप्शन बी टिश्यू ग्रेड, ऑप्शन सी सेलुलर ग्रेड, ऑप्शन डी आर्गन ग्रेड। तो स्पंजेज में जो बॉडी का संगठन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सेलुलर ग्रेड, क्योंकि इनमें जो सेल पाए जाते हैं मोस्टली पाए जाते हैं क्विनोसाइट और पिनेकोसाइट। जो क्विनोसाइट होती हैं फ्लैजलेटेड होती हैं और जबकि जो पिनेकोसाइट होते हैं फ्लैटेंड होते हैं। ये दो प्रकार की सेल्स लूजली अरेंज, ऐसे तो सेल ढेर सारे पाए जाते हैं लेकिन मेन जो सेल होते हैं यही पाए जाते हैं। एक जिसे एक होती है कालर सेल और एक होती है पिनेकोसाइट या क्विनोसाइट और पिनेकोसाइट, यही लूजली अरेंज होती है जिनकी वजह से इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्टलीस्ट टर्किश बाथ स्पंजिज, कॉस्टलीस्ट टर्किश बाथ स्पंज है। ऑप्शन ए है स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस, ऑप्शन बी हिप्पो स्पॉन्जिया, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी है ग्रैंटिया। तो टर्किश बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस। स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस को टर्किश बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज फाउंड इन, पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। ऑप्शन ए है ल्यूकोसिलोनिया ओनली, ऑप्शन बी है आल स्पंजेज, ऑप्शन सी मैराइन स्पंजेज, ऑप्शन डी फ्रेश वाटर स्पंजेज। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है उसे स्पंजोसील कहा जाता है। स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी ये पाई जाती है सभी स्पंजेज में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी आल स्पंजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए स्पंज डिफर फ्रॉम अदर मेटाजोआंस इन हैविंग, एक स्पंज दूसरे मेटाजोआंस से किस प्रकार भिन्न होता है। ऑप्शन है न्यूमेरस माउटलेट्स, ऑप्शन बी वन एग्जिस्ट, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन। तो एक मेटाजोआन या एक स्पंज एक और दूसरे मेटाजोआन से भिन्न होता है क्योंकि उनमें स्पंजेज में ढेर सारे माउथलेट्स पाए जाते हैं और एक एग्जिस्ट पाया जाता है जिसे आस्कुलम कहा जाता है और माउथलेट्स को आस्टिया कहा जाता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ न्यूमरस माउथलेट्स और वन एग्जिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए स्पंज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग, एक स्पंज और दूसरे एनिमल से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन ए है स्पिक्यूल्स, ऑप्शन बी है वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है क्विनोसाइट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो एक स्पंज और एनिमल से भिन्न इसलिए है क्योंकि इनमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है, क्विनोसाइट सेल पाए जाते हैं, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, स्पंजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, स्पंजेज कैरेक्टराइज्ड होते हैं मीन्स मेन लक्षण होता है स्पंजेज का। ऑप्शन ए क्विनोसाइट, ऑप्शन बी कैनाल सिस्टम, ऑप्शन सी इन्यूमरल माउथलेट्स वन एग्जिस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्पंजेज जो होते हैं उनके मेन लक्षण होते हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनमें क्विनोसाइट सेल पाए जाते हैं, कैनाल सिस्टम पाया जाता है और ढेर सारे माउथलेट्स जिसे आस्टिया कहते हैं वन एग्जिस्ट पाया जाता है जिसे आस्कुलम कहा जाता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिस्ट बाय डेमोस्पोंजिया इज, डेमोस्पोंजिया के द्वारा किस प्रकार का कैनाल सिस्टम प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है एस्कॉन टाइप, ऑप्शन बी है साइकॉन टाइप, ऑप्शन सी है रेगॉन टाइप, ऑप्शन डी है ल्यूकॉन टाइप। तो डेमोस्पोंजिया के द्वारा जो कैनल सिस्टम एग्जिबिट होता है प्रदर्शित होता है वो होता है ल्यूकॉन टाइप, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ल्यूकॉन टाइप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इज फाउंड इन,
स्कान टाइप का कैनल सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन है ग्रैंटिया, ऑप्शन बी है ल्यूकोसोलोनिया, ऑप्शन सी हैलोनिमा, ऑप्शन डी यू स्पॉन्जिया। तो स्कान टाइप का जो कैनल सिस्टम होता है वो पाया जाता है ल्यूकोसोलोनिया में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसोलोनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ स्पंज, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मोस्ट डिस्टिंक्टिव लक्षण है स्पंज का, मीन्स सबसे भिन्न लक्षण है स्पंज का, एक निश्चित टाइप का सबसे डिस्टिंक्ट टाइप का कैरेक्टर्स है स्पंज का। इसमें ऑप्शन ए है दैट्स दे आर ए सेलर, ऑप्शन बी है दैट्स दे पॉसेस स्पेशल सेल कॉल्ड क्वेनोसाइट, ऑप्शन सी दैट दे रिप्रोड्यूज एसेक्सुअली, ऑप्शन डी दैट दे आर ऑल मैराइन। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी दैट दे पॉसेस स्पेशल सेल कॉल्ड क्वेनोसाइट, क्योंकि ये सबसे अलग लक्षण है स्पंज का, इनमें क्वेनोसाइट सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द स्पंज हेक्साक्टिनिलिडा लिव इन हेक्साक्टिनिलिडा स्पंज पाए जाते हैं या रहते हैं, ऑप्शन है डीप वाटर, ऑप्शन बी फ्रेश वाटर, ऑप्शन सी शैलो वाटर, ऑप्शन डी ब्रैकिश वाटर। तो जो हेक्साक्टिनिलिडा क्लास होता है या क्लास है, इसे हाइलो स्पंजिया के नाम से जाना जाता है, और इसके एनिमल जो होते हैं वो सिलिका या सिलिकियस सिलिका के जरिए द्वारा बने हुए होते हैं, और ये स्पंज मैराइन होते हैं और डीप वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए डीप वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चेक द एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे सही आंसर या सबसे एप्रोप्रिएट आंसर चेक करिए, इंडिकेट द फ्रेश वाटर स्पंज फ्रॉम द फॉलोइंग असेंबलेज, मीन्स निम्नलिखित में से फ्रेश वाटर स्पंज को इंडिकेट करिए, ऑप्शन ए है यूप्लेक्टला, ऑप्शन बी हैलोनिमा, ऑप्शन सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन डी यू स्पॉन्जिया। तो फ्रेश वाटर स्पंज है स्पॉन्जिला, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द सेल्स सराउंडिंग द आस्कुलम इज इन स्पंज इज, आस्कुलम को स्पंज में आस्कुलम को जो सेल घेरती हैं वे हैं, ऑप्शन है आर्कियोसाइट, ऑप्शन बी है मायोसाइट, ऑप्शन सी है क्वेनोसाइट, ऑप्शन डी है ग्लैंड सेल्स। तो स्पंज के जो आस्कुलम को घेरती हैं सेल्स वो होती हैं मायोसाइट, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी मायोसाइट। मायोसाइट आस्कुलम को भी घेरती हैं, आस्कुलम के चारों तरफ पाए जाते हैं, इसके अलावा आस्टीय के चारों तरफ भी पाए जाते हैं, ए वाटर के एग्जिस्ट को मीन्स एंट्री को कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं आस्टिया के माउथ पर या आस्टिया पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्जांपल ऑफ द क्लास हेक्साटाइड हेक्साक्टिनिलिडा इज, हेक्सा एक्टिनिलिडा का उदाहरण है, ऑप्शन ए स्पॉन्जिला, ऑप्शन बी आस्करेला, ऑप्शन सी यूप्लेक्टला, ऑप्शन डी ग्रैंटिया, ऑप्शन ई ल्यूकोसोलोनिया। तो हेक्साक्टिनिलिडा या हाइलो स्पंजिया का क्लास का उदाहरण है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टला। यूप्लेक्टला जो है हाइलो स्पंजिया या हेक्साक्टिनिलिडा क्लास के अंतर्गत आता है, और इसे कॉमन नेम वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ग्लास रोप स्पंज या ग्लास स्पंज बिलोंग्स टू द क्लास, ग्लास स्पंज किस क्लास से संबंधित है, ऑप्शन है डेमो स्पंजिया, ऑप्शन बी टेट्रा एक्टिनिलिडा, ऑप्शन सी है हेक्सा एक्टिनिलिडा, ऑप्शन डी है कैलकेरिया। तो ग्लास रोप जो स्पंज होते हैं वे जिन्हें हाइलोनिमा के नाम से जाना जाता है, और ये बिलोंग करता है हेक्सा एक्टिनिलिडा
क्लास है जिसे हाइलो स्पॉन्जिया कहा जाता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन नंबर सी हेक्सा एक्टिनिलिडा। क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होता है हाइलो स्पॉन्जिया, उसी को ग्लास रोप स्पंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा की बॉडी वॉल की जो मिडिल लेयर होती है वो होती है ऑप्शन ए मेजेनकाइम, ऑप्शन बी मेजोडर्म, ऑप्शन सी मेजोग्लिया, ऑप्शन डी मेजेंट्री। तो पोरीफेरा की जो बॉडी वॉल होती है बाहर की तरफ से पिनेकोसाइट और अंदर की तरफ से कोइनोसाइट, और बीच में जो सेमी जिलेटिनस मटेरियल फील्ड होता है उसे मेजेनकाइम कहा जाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए मेजेनकाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द टाइप ऑफ कैनल सिस्टम इन क्लैथीरिना, क्लैथीरिना में किस प्रकार का कैनल सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए है साइकन, ऑप्शन बी है स्कॉन, ऑप्शन सी है लिकॉन, ऑप्शन डी है रेगॉन। तो क्लैथीरिना में जो कैनल सिस्टम पाया जाता है वो पाया जाता है स्कॉन टाइप का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉन टाइप। जबकि जो कैनल सिस्टम लिकॉन टाइप का कैनल सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है, लिकॉन टाइप का जो कैनल सिस्टम है वो पाया जाता है प्लेकिनिया में, जियोडिया में, आस्क्रेला या स्पॉन्जिला में भी पाया जाता है लिकॉन टाइप का, और साइकान का टाइप का कैनल सिस्टम साइकान में पाया जाता है, और जबकि रेगॉन टाइप का जो कैनल सिस्टम पाया जाता है वो इनके जो स्पंजेज होते हैं उनके लार्वा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। स्केल्टन इन डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया के स्केल्टन है ऑप्शन है सिलेसियस, ऑप्शन बी है कैलकेरियस, ऑप्शन सी है स्पॉन्जिन फाइबर, ऑप्शन डी है नन। तो डेमोस्पोंजिया के जो एनिमल होते हैं उनमें स्केल्टन बना हुआ होता है स्पॉन्जिन फाइबर का, इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिन फाइबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हु डिस्क्राइब द एनिमल नेचर ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा के एनिमल नेचर को किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन ए इलियास, ऑप्शन बी रोस, ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रेंट और ऑप्शन डी है नन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए इलियास। इलियास ने फाइलम पोरीफेरा के एनिमल नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया था, जबकि जो फाइलम पोरीफेरा टर्म है वो रॉबर्ट ग्रेंट ने दिया था और रॉस, डोनाल्ड रॉस जिन्होंने मलेरिया के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज इज बेस्ड ऑन, स्पंज का क्लासिफिकेशन आधारित है ऑप्शन है लोकोमोटरी ऑर्गन, ऑप्शन बी है स्केल्टन, ऑप्शन सी है साइज, ऑप्शन डी है न्यूमरस ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो स्पंज का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है स्केल्टन पर, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी स्केल्टन, क्योंकि इनको तीन क्लास में स्केल्टन सिस्टम के बेस पर या स्केल्टन के बेस पर क्लासिफाइड किया गया। पहला क्लास है कैलकेरिया, पहला क्लास है कैलकेरिया जिसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट या हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए बनी हुई होती हैं, जबकि दूसरा जो क्लास है हेक्सा एक्टिनिलिडा जिसके अंतर्गत आने वाले वो एनिमल जो हैं वो बने हुए होते हैं सिल्किया के द्वारा, उनका स्केल्टन सिस्टम बना हुआ होता है, जबकि डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें उनका स्केल्टन सिस्टम स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कॉमन बाथ स्पंज, सामान्य बाथ स्पंज है ऑप्शन ए स्काइफा, ऑप्शन बी है यूप्लेक्ला, ऑप्शन सी है क्लायोना, ऑप्शन डी यू स्पॉन्जिया। तो सामान्य बाथ स्पंज है यू स्पॉन्जिया, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी यू स्पॉन्जिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फर्टिलाइजेशन इन स्पंजेज, स्पंज में फर्टिलाइजेशन होता है ऑप्शन है इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन।
तो स्पंजेज में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनल।